साथियों, जय भीम, नव अध्याय में नीलेश ओंकार, मैं प्रथमतः भारतीय और अंततः भारतीय इस विशेष प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, वैसे तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज हम किस दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते हम ही नहीं तो पूरी दुनिया जो है वो आज इस दौर से गुजर रही है, लेकिन ये दौर भी चला जाएगा क्योंकि इंसान के पास विज्ञान है और विज्ञान के पास सारी समस्याओं का निचोड़ है। बस इसके लिए हमें थोड़ा सा धीरज और सावधानी से काम लेना होगा। आज हम सब लॉकडाउन में हैं और 15 तारीख तक यह जो लॉकडाउन है वो शायद चलेगा। स्थिति अगर शायद सामान्य नहीं हुई तो ये बढ़ भी सकता है। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो स्थिति है लॉकडाउन वाली या जो महामारी दुनिया में फैल गई है ये जल्द से जल्द समाप्त हो और स्थिति जो है वो सामान्य हो जाए। लेकिन मेरा मुद्दा ये नहीं है, मैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए आपके साथ सामने नहीं आया हूँ। मेरा मुद्दा यह है कि हम इस लॉकडाउन के चलते इस वर्ष जो है विश्व रत्न आधुनिक भारत के निर्माता, संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो जयंती है वो कैसे मनाएं। आज हर इंसान जो है वो सोच रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो जयंती हम हर साल इतने धूमधाम से मनाते थे वो हम कैसे मनाएं। तो इसके लिए एक विचार लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। अगर ये विचार आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर इस पर विचार करिएगा। लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले मैं अपने समाज के सामाजिक अस्तित्व पर बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज देश में अपने समाज का जो अस्तित्व है वो क्या है? संविधान निर्माण के इतने सालों बाद भी आज हम कहाँ हैं? कहाँ है हमारी सामाजिक मूवमेंट? कहाँ है हमारी राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक तथा शैक्षणिक मूवमेंट? क्या इसमें से एक भी मूवमेंट को हम इतने सालों बाद भी सफल बना पाए हैं? ये सोचने वाली बात है। आज ईमानदारी से सामने आकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि हाँ, हमने बाबा साहब की इस मूवमेंट को सफल बनाया है। अपने दिल पर हाथ रखकर ये कोई नहीं बता सकता। इसके कई कारण होंगे, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। जो समाज के जो बुद्धिजीवी है या जो भी समाज का नेतृत्व करते हैं वो इसका विचार करें, इस पर चिंतन करें और इससे मार्ग निकालें। लेकिन बात इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम असफलताओं की वजह से आज समाज के हर क्षेत्र में जो इतनी निराशा फैली है, हम लोग इतने लाचार और बेबस दिखाई दे रहे हैं, हालांकि हम वैसे नहीं हैं। इन सभी असफलताओं से समाज का जो मनोबल घटता जा रहा है, और ये हर क्षेत्र में है, ये किसी एक क्षेत्र में नहीं है। चाहे हमारा धार्मिक आंदोलन हो, चाहे हमारा राजनीतिक आंदोलन हो या फिर सामाजिक आंदोलन हो, ऐसे में मेरा आप सभी लोगों से एक निवेदन है, क्या हम इस लाचारी भरी निराशा को सकारात्मकता से बदल सकते हैं, सकारात्मकता में बदल सकते हैं इसको? क्या हम इस निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं? आप सोच रहे होंगे कि ये हम कैसे करें। तो दोस्तों, मैं एक सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूँ, एक विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। दोस्तों, इस संबंध में मैं जो भी विचार आपके सामने रखूँगा या जो भी परिकल्पना आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर इस पर आप विचार कर सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे समाज का एक सैटेलाइट टेलीविज़न चैनल था जिसको हम लॉर्ड बुद्धा टीवी के नाम से जानते हैं, जो आज हमारा नहीं रहा, क्योंकि उस पर आज रामायण, महाभारत जैसे काल्पनिक देवी देवताओं के जो कार्यक्रम है उसका प्रसारण हो रहा है, जो बुद्ध के विज्ञानवादी तत्वज्ञान के बिल्कुल खिलाफ है, जिससे समाज का हर इंसान जो है वो आज आहत है। मैं भी बहुत आहत हूँ क्योंकि आप जानते हैं मैं लॉर्ड बुद्धा टीवी में बतौर एंकर के रूप में काम कर चुका हूँ। मैं जब लॉर्ड बुद्धा टीवी में काम करने के लिए आया था तब मुझे बहुत पैसा मिलेगा या मेरा बहुत नाम होगा, मेरा ये उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य ये था कि मुझे समाज में विज्ञानवादी महापुरुषों के विचारों को पहुंचाने का एक मौका मिलेगा, क्योंकि मीडिया के क्षेत्र में तब ऐसा कोई चैनल नहीं था और आज भी नहीं है। ये विश्वास मेरा तब टूटा जब इसके विपरीत लॉर्ड बुद्धा टीवी में कुछ बातें मेरे सामने आई। तब मैंने धीरे धीरे अपने आप को लॉर्ड बुद्धा टीवी से दूर रखने की कोशिश की। बाद में मैं पूरी तरह से यहाँ से हट गया, लेकिन टीवी जो है वो चलता रहा। वैसे भी मैं यहाँ पर फ्रीलांसिंग में काम कर रहा था, मगर अचानक 1 अप्रैल को
आप भी जानते हैं, जब लॉर्ड बुद्धा टीवी पर मैंने रामायण को देखा, मुझे बहुत दुख हुआ। और तब मुझे समाज से कई सारे फोन आ रहे थे, सभी लोग आवेश में आकर बात कर रहे थे, पूछ रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, चैनल में रामायण और महाभारत क्यों दिखाई दे रहा है, क्या ये चैनल हमारे पास है या नहीं है। ऐसे कई सवाल लोग मुझसे करने लगे, और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि ये समाज की अस्मिता से खिलवाड़ हो रहा था। तब मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए, और तब लॉर्ड बुद्धा टीवी के बारे में मेरे पास जो भी जानकारी थी, मैंने जो जितनी भी जानकारियाँ इकट्ठा की थी, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से आपके सामने उन सब जानकारियों को रखा। उसके बाद कई सारे ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आपने सुने होंगे, शरद दहिया की भी ऑडियो रिकॉर्डिंग आपने सुनी होगी, जो कि अपने आप को लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का मालिक बताता है, जिसका नाम इसके पहले समाज में कोई नहीं जानता था। लॉर्ड बुद्धा टीवी के संचालकों ने भी समाज को ये नहीं बताया था शरद दहिया के बारे में। फिर लॉर्ड बुद्धा टीवी के जो संचालक है, वो भी अपनी सफाई देने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आए, और ये सिलसिला जो है वो आज भी जारी है। शरद दहिया कहता है कि लॉर्ड बुद्धा टीवी मेरा है, उसमें जो मलकियत है, उसमें जो मालिकाना हक है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। लॉर्ड बुद्धा टीवी के संचालक कहते हैं कि ये टीवी जो है वो हमारा है। इस बीच में, इस तमाम कश्मकश में समाज जो है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, जिसने अपने खून पसीने से इस चैनल को खड़ा किया था। साथ ही इस दुखद घटना से समाज का जो मनोबल है वो भी बेहद ही घटता जा रहा है, और निराशा का स्तर भी और बढ़ता जा रहा है। पहले ही हमारे समाज में कई सारी निराशाएं हैं, और इससे, इस घटना से और भी निराशा को बढ़ने में मदद हो रही है। इस निराशा को अगर बढ़ने नहीं देना है, तो लॉर्ड बुद्धा टीवी के सभी संचालकों से मेरी अपील है कि ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद, जब ये लॉकडाउन खत्म होगा और जब हम कोरोना से मुक्त हो जाएंगे, तब मैं इन सभी संचालकों से अपील करता हूँ कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद वे खुद होकर समाज को आह्वान करें कि नागपुर की दीक्षा भूमि पर समाज के तमाम बुद्धिजीवी इकट्ठा हो, एक जाहिर सभा का आयोजन करें, जिसमें लॉर्ड बुद्धा टीवी के बारे में जो भी हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, किसकी गलती होगी, क्या नहीं होगी, ये तमाम जो बातें हैं वो बेबाक तरीके से सच्चाई को जनता के सामने रखें। ये लॉर्ड बुद्धा टीवी के संचालकों को करना चाहिए। लॉर्ड बुद्धा टीवी के संचालक जनता के सामने इन सब बातों को रखे, जनता के सवालों का जवाब दे, क्योंकि इस चैनल के निर्माण में समाज की बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके बाद अगर लॉर्ड बुद्धा टीवी फिर से शुरू हो सकता है, तो समाज को विश्वास में लेकर एक सर्वसमावेशक समिति बनाकर, समाज के अधीन होकर इस चैनल को प्रोफेशनल तरीके से मजबूती से चलाने की कोशिश करें। और अगर ये नहीं होता है, अगर ये चैनल हमारे पास नहीं आता है, या लॉर्ड बुद्धा टीवी, जैसे कि शरद दहिया कहता है कि ये मेरा चैनल है, अगर ये सच हुआ और चैनल फिर से समाज को नहीं मिला, तो इसी तर्ज पर, इसी लॉर्ड बुद्धा टीवी की तर्ज पर हम एक दूसरा चैनल, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, एक दूसरा चैनल इसी तर्ज पर हम निर्माण करें, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में अपनी हैसियत रख सके। अब आप कहेंगे कि इसके लिए हम पैसा कहाँ से लाएंगे, तो दोस्तों मैंने शुरुआत में कहा था कि इस बार हम अंबेडकर जयंती कैसे मनाएं, तो इसका जवाब ये है कि हम हर साल जयंती कैसे मनाते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करके मनाते हैं, लेकिन इस बार लॉकडाउन है, तो हम इस बार अपने अपने घरों में रहकर ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाएंगे और उनको अभिवादन करेंगे। लेकिन जो करोड़ों रुपए जयंती मनाने में जो खर्च होते थे, वो करोड़ों रुपए जमा करके हम प्योर बुद्धिस्ट एक मजबूत सैटेलाइट चैनल का निर्माण करें, जो आने वाली कई जयंतियों को दुनिया भर में प्रसारित कर सके। इससे ये बहुत ही अच्छी संकल्पना है, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा टीवी के संबंध में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो हम जानेंगे ही, और ये संचालकों की जिम्मेदारी है जिन्होंने समाज में जाकर इस चैनल को, चैनल के लिए पैसा इकट्ठा किया, और समाज ने भी बहुत सारी मदद की,
अपने खून पसीने की कमाई जो है इस चैनल में लगा दी। तो ये संचालकों की भी जिम्मेदारी है कि वो निडर होकर ये जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब समाज के सामने आए, और जैसे मैंने कहा कि दीक्षा भूमि पर एक समाज का समाज को बुलाए और एक जाहिर सभा का आयोजन हो, वहाँ पर तमाम बुद्धिजीवी जो लोग हैं समाज के और तमाम ऐसे भी लोग जो बड़े बड़े उद्योजक हैं या जिनके पास बहुत सारा पैसा है, ऐसे लोग भी वहाँ पर आए और इन मसलों पर हल निकालने की कोशिश करें। इससे समाज का जो मनोबल है वो बढ़ने में मदद होगी, और निराशा जो है, जो अभी तमाम तरीके से जो हमारे समाज में निराशा फैली है, वो खत्म होगी। साथ ही हमारे मूवमेंट को मजबूत करने में मदद भी मिलेगी। इतना ही नहीं तो हम उन मनुवादी ताकतों को भी मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं जो हर बार कोई ना कोई षड्यंत्र करके हमारे आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं और समाज के मनोबल को गिराकर गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। ज़रा सोचिए, क्या हम ये कर सकते हैं? अगर ये कर सकते हैं तो मेरा जवाब है हाँ, हाँ हम ये कर सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ ये आसान काम नहीं है, मगर आसान आसान काम करने का शौक़ हमें कभी भी नहीं है। हम, आप जानते हैं, सदियों से हमारा इतिहास रहा है कि हम सदियों से संघर्ष करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। जब तक हम कामयाब नहीं होते तब तक संघर्ष जो है हमारा वो जारी रहेगा और हर क्षेत्र में रहेगा जब तक हम कामयाब नहीं होते। इसलिए हमें इस बार मीडिया के क्षेत्र में अपनी मजबूती और अपनी एक मजबूत पहचान बनाकर बाबा साहब को अभिवादन करना है, क्योंकि बाबा साहब इस देश में ही नहीं तो पूरी दुनिया में एक सर्वश्रेष्ठ पत्रकार भी रहे हैं। शायद इस बात को ज़्यादा जनता के सामने नहीं लाया जाता, लेकिन आप और मैं जानते हैं कि बाबा साहब जो है वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पत्रकार रहे हैं। तो आइए साथियों, जो पैसा हम देश के तमाम बुद्ध विहारों में जयंती मनाने के लिए चंदा जमा करके इकट्ठा करते थे, इस बार उसी पैसे से हमारा एक सर्वसमावेशक बुद्धिस्ट चैनल खड़ा करें, जो कि किसी एक व्यक्ति का या एक संगठन का नहीं होकर बल्कि उसका जो नेतृत्व है या उसका जो नियंत्रण है वो पूरे समाज का उस पर हो, ऐसा एक चैनल हम खड़ा करें। क्या आपको ये मेरी बातें जो है वो एक पॉजिटिव थिंक लग रही है? क्या आपको सकारात्मकता इस मेरी बातों में लग रही है? अगर सकारात्मकता लग रही है तो हम ये कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा इतिहास है। भीमा कोरे गांव में जब हम उस युद्ध की बात करते हैं या उस इतिहास को हम ताज़ा करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि इतने शूरवीर लोग हमारे समाज में पैदा हुए थे जिन्होंने अपने किसी भी तरह का कोई भी शस्त्र या कोई भी किसी भी तरह का कोई सहयोग न होते हुए भी अपने इच्छा शक्ति के दम पर पूरी जो मनुवादी कौम है या मनुवादी जो शासन था उसको हिला दिया, उसको नष्ट किया और वहाँ पर पेशवाई को ख़त्म किया। हम जानते हैं पूरी दुनिया में हम विश्वगुरु रह चुके हैं। सम्राट अशोक के काल में ये देश जो है वो प्योर बुद्धिस्ट देश था और दुनिया का विश्वगुरु था। जब अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन जैसे जो देश है, ये जो लोग जब जंगलों में घूमते थे तब हमारी जो संस्कृति हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति, हम बस्तियों में रहते थे, हम बस्तियां करते थे, हम व्यापार करते थे। हमने व्यापार दुनिया को सिखाया है, हमने मानवता दुनिया को सिखाई है, हम दुनिया के विश्वगुरु रह चुके हैं। इसलिए मेरी विनती है, अगर इस विचार को आप समझ सकते हैं, अगर इस विचार पर आप काम कर सकते हैं तो प्रत्येक समाज के हर उस व्यक्ति को मैं ये विनती करना चाहता हूँ कि क्यों ना हम इस निराशा को, इस निगेटिविटी को पूरी तरह से पॉजिटिविटी में बदल दें और समाज को, समाज का जो मनोबल है वो गिरने ना दें। एक चैनल खड़ा करना कोई बड़ी बात नहीं है अगर समाज ने ठान लिया तो, क्योंकि हम हजारों करोड़ रुपया हर साल, आप जानते हैं कि हजारों करोड़ रुपया हर साल जो है हम जयंती मनाने में खर्च करते हैं, लेकिन इस वर्ष हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि लॉकडाउन है और जयंती हम नहीं मना सकते। तो हम बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती उतनी ही शिद्दत से मनाएंगे, लेकिन अपने अपने घरों में रहकर मनाएंगे। लेकिन जो पैसा बच रहा है, जो हमारा हजारों करोड़ रुपया पैसा जो हमेशा हर साल खर्च होता था,
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती के ऊपर, तो उस पैसे को हम इकट्ठा करके एक, जैसे मैंने पहले कहा कि सर्वसमावेशक समाज का नियंत्रण हो, इस तरह से एक समिति बनाकर उस समिति के माध्यम से एक चैनल खड़ा किया जाए। अगर ये लॉर्ड बुद्धा टीवी होता है तो कोई बात नहीं है, इसको ही हम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर ये नहीं होता है तो इसी की तर्ज पर एक नया चैनल खड़ा करके उतनी मजबूती से हम मेन स्ट्रीम मीडिया में उतर सकते हैं। और ये मेरे ख्याल से मनुवादी ताकतों के मुंह पर हमारा एक करारा तमाचा होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी कमेंट ज़रूर भेजिए, और इस जो भी मैंने बताया है इस पर विचार ज़रूर कीजिए, और हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। जय भीम।